अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। जैसे कि थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा, आज का मेरा व्लॉग किस टॉपिक पे है। मेरा व्लॉग बहुत ही आसान, और मैं कोई फ़ोन कोई लैपटॉप खोल के आपको कोई तरीके नहीं बता रही कि किस तरह चैनल बनाना है, किस तरह मोनेटाइज करना है। वो वाली वीडियो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, आप वहाँ जा के सर्च करके देख सकते हैं। मैं आज आपको सिंपल सी चीज़ें आसान, जो कि जिनके पास तालीम भी नहीं है वो भी सीख के आराम से अपना काम शुरू कर सकती हैं। क्योंकि वो कहती हैं कि हम इतना टाइप नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, हमें इतना नॉलेज नहीं है, हमने ये कोशिश कर सकते। वो इतने लंबे चक्कर से वो पढ़ने की बजाय वो पहले ही हिम्मत हार जाती हैं औरतें। तो जो औरतें यानी कि जो बड़ी एज की हो जाती हैं या जिनको नहीं समझ आती, तो वो परेशान होती हैं। तो मैंने आज आपको कोई कुछ नहीं, लैपटॉप वगैरह कोई नहीं तरीका बताया, मैं आपको ये चीज़ सिंपल से समझा रही हूँ। जब आप लोग हर औरत जो 5 पढ़ी है, 10 है, MA है, BA है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हर औरत बाज़ार जाती है, मार्केट पे जाती है, प्लाजा में जाती है, जहाँ भी जाती है ज़रूरत की चीज़ें लेने जाती है। हर तरह की औरतें हैं, यानी कि कोई बूढ़ी है, बड़ी है, सबको मार्केट में जाके अपने महीने का राशन सामान वगैरह लाना पड़ता है, शॉपिंग करनी पड़ती है। तो जिस तरह अब हम लोग जाते हैं शॉपिंग करते हैं, और जब हम शॉपिंग करते हैं तो दूसरे को प्रॉफिट मिलता है, एक चीज़ हम पैसे देते हैं और दूसरा लेता है, यही सारी गेम हमारी यही है, यही असल चीज़ है। जो कि हमने आपके पास सिर्फ ये है कि आपके पास फ़ोन होगा और नेट होगा, वो अब बड़ी एज की औरतों के पास भी है, जो कम पढ़ी लिखी हैं उनके पास भी है। जब वो अपना फ़ोन नंबर मिला के फ़ोन कर सकती हैं, अपना व्हाट्सएप यूज़ कर सकती हैं, तो वो इंशाल्लाह चैनल भी बना सकती हैं। अगर आपको चैनल बनाना नहीं आता तो आप किसी से भी हेल्प लेके, अपने किसी बच्चों से लेके एक दफ़ा चैनल बनाएं और उसमें अपनी वीडियो अपलोड करना सीख लें, या सिर्फ अपनी ज़रूरत की, जैसे कि आपके पास है वीडियो अपने बनाते रहें। पिक्चर तो खींचना हर एक को आ जाता है, तो इसी तरह वीडियो बनाते रहें, अच्छी अच्छी वीडियो आप सारा दिन अपनी बनाएं और रात को अपने बच्चों को या मियाँ को कहें कि इसको अपलोड कर दें। तो ये 5-10 मिनट का होता है सारा काम, और आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह जो व्लॉग बनाती हैं, व्लॉग बनाएं, अच्छे अच्छे टॉपिक पे व्लॉग बनाएं, और जो काम करती हैं अपने बिज़नेस के बारे में ऑनलाइन और इस तरह की चीज़ें बताएं, जिस तरह का आप काम करती हैं उसी टॉपिक पे आप चैनल बना के लोगों को गाइड कर सकते हैं। अगर कोई कटिंग सीखती है और अपना आगे सिखाना चाहती है, या जो सेल करती हैं कपड़े काट के सीती हैं कपड़े वगैरह, दर्जने जिसे बोलते हैं, तो आप लोग वो कटिंग करें और उसको आप ऑनलाइन सिखाएं सबको, और उसकी वीडियो बनाएं, वो अपलोड करें। किसी औरत को खाना पकाना आता है तो वो अपना खाना बनाने की रेसिपी डाले, और ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं चैनल के लिए, वो सीख लें। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आप घर में कहें कि मैं नहीं कमा सकती, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, तो हाउसवाइफ होने का मतलब ये नहीं कि आप कमा नहीं सकती या आप घर से बाहर ही निकल के कमाएंगी। तो जाहिर है घर की मजबूरी होती है, बच्चे मियाँ बाहर कमाने जाते हैं, तो उन्हें आके घर में ठंडा पानी खाना उनको ज़रूरत होती है। अगर आप कोई मेड भी रखते हैं तो उसको देखने के लिए, उस पर घर की चाबी तो नहीं उसको दे सकते, तो ये ज़रूरत भी होती है कि औरत को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि उसे घर देखना होता है। तो आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे कि कैसे हमने अपना चैनल बनाना है, किस तरह उसको करना है। तो मेरा तो चैनल, जैसे मैंने आपको बताया, ना मोनेटाइज हुआ, ना वॉच टाइम पूरा हुआ है, ना सब्सक्राइबर हुए हैं। पहला चैनल मेरा हैक हो गया,
चैनल का भी ये होता है कि किस्मत का जो होता है वो होके रहता है, कभी चैनल पे भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। ऑनलाइन काम करना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है मैं बेडशीटों की वीडियो भी डालती हूँ, फ़ाइबर भी है, फ़ाइबर पे भी काम कर सकते हैं। बहुत लोग इतना पैसा कमा रहे हैं और खुश रहे हैं, अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, और मैंने भी पैसे कमाए हैं। किस तरह, जैसे आप अपनी शॉपिंग की चीज़ें करती हैं, सेल करती हैं, अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ें सेल करते हैं, इसी तरह मैं भी अपनी चीज़ें लेती हूँ और सेल करती हूँ। मेरी चीज़ें ये है कि मैं खाने की चीज़ें नहीं होती, मेरी चीज़ें होती हैं कपड़े, मर्दाना कपड़े, बेडशीटें और लेडीज़ के कपड़े। और अगर आप कहें कि हमारे पास कारोबार के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब मैंने शुरू में काम स्टार्ट किया था तो हमारे पास ही थे हमसाए, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कपड़े का काम करते हैं, हमें ऐसी चाहिए कुछ लोग जो कि हमारा यानी कि ये कपड़े वगैरह फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे हमारे कपड़ों की ऐड लगाते रहें ताकि लोग आएँ और हमारे कपड़े लें। तो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट रखती रही, 200 रख लिया, किसी पे 300 रख लिया। आप ऐसी कोशिश किया करें कि थोड़ा प्रॉफिट रखें ताकि लोगों को आपकी कीमत सही लगे। तो ये होता है कि हमारे भी होता है कि होलसेल रेट, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें भी वो प्रॉफिट रखते हैं तो उनका भी काम चलता है। तो इस तरह फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करते ही जैसे मेरे पास जितने पैसे थे, मैंने उसकी थोड़ी सी बेडशीटें ली और उन कपड़ों के साथ मैंने अपनी बेडशीटें भी डालना शुरू कर दी। बेडशीटें डालना शुरू की तो लोगों ने प्राइस वगैरह, पिछले चैनल पे तो मुझे ऑर्डर भी मिलने लगे थे, प्राइस भी पूछने लगे थे। तो मैं डेली उनको अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग, कौन सी ब्रांड के कपड़े आए हैं, कौन से के कितना है उनमें स्टॉक आया है, कौन से कलर हैं, हर चीज़ मैं उनको सारे डिटेल में शेयर करती रही। उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोग मेरी बेशक कपड़े नहीं लेते थे, लेकिन मेरा चैनल वॉच करने लग गए और उनको अच्छी लगे। जिनको औरतों को कपड़े पसंद थे उन्हें वो ख़रीदती नहीं भी थी, लेकिन मेरा चैनल तो ज़रूर देखती थी। तो आप अपना चैनल बनाए, अगर चीज़ें कम सेल हो रही हैं तो कम अज़ कम आपकी चैनल चल पड़ेगा, और अगर आपकी चीज़ें सेल होना शुरू हो गई है और चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो कम से कम आपका बिजनेस चल पड़ेगा। तो दोनों सूरतों में आपको फ़ायदा है। अगर एक काम नहीं हुआ तो अल्लाह दूसरा रास्ता बना देगा। आप अपनी हिम्मत करें, अल्लाह मियाँ आपके रास्ते खुद ही खोलता जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा होता था, घंटे घंटे थंबनेल बनाती थी, उसके बाद फिर मैं जो वीडियो एडिटिंग करती थी, वीडियो एडिटिंग करके कुछ डालती थी, म्यूज़िक डालती थी, तो कॉपीराइट आ जाता। इतने चैनल बनाए, वो कुछ बंद हो गए कोई तरीके। आप भी यूट्यूब पर जाएँ, इतने अच्छे यूट्यूबर हैं जो आपको पूरा गाइड करेंगे। आप उनको देखें, उनकी वीडियो वॉच करें। आप ऐसे करें कि आप लैपटॉप खोलें और उसमें आप लैपटॉप में अपनी वीडियो चलाएं और अपने फ़ोन पे उसको जैसे वो बता रहा है उसी की कॉपी करें और उसी तरह आप काम करना सीख लें। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बहुत ज़्यादा हर कोई नॉलेज वाला हो। तो हम तो जाहिर है घर में जो औरतें होती हैं, इवन के बड़े आदमी भी, उन्हें नहीं समझ आती कि किस तरह ये चीज़ चलानी है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इंसान का तजर्बा बढ़ता है तो काम में बेहतरी आती है और कारोबार में भी अल्लाह इजाफा कर देता है। आप अपने हाथ पांव तो चलाएं, अपनी कोशिश करें। मैं कहती हूँ कि अल्लाह का नाम भी करें, अपना अल्लाह को भी करें, तस्बीह भी अपनी करते रहें और अपना कोशिश भी करते रहे। अल्लाह मियाँ ने कहा है हरकत करो मैं बरकत डालूँगा। अल्लाह मियाँ हरकत करने वाले लोगों के साथ होता है। थोड़ी सी आज मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो बहनें बहुत परेशान हैं और पूछती हैं, और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी मैंने देखा है वो अपने लिंक डाल रही होती हैं और पूछ रही होती हैं हमारा चैनल नहीं चल रहा है या हम काम करना चाहती हैं। जो एक कुछ लोग अपनी कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें लगा देते हैं, वो कहती हैं कि हमें औरतों की ज़रूरत होती है, हमने अपनी चीज़ें सेल करनी है। इसमें फ्रॉड भी बहुत है, ये भी ध्यान रखें कि आप उनकी चीज़ें सेल करती हैं और वो फिर आपके पैसे वापस नहीं करते, ये भी बहुत ज़्यादा है। जितना ऑनलाइन काम है उतना ही फ्रॉड भी है, और इसमें कोई
कोई पकड़ भी नहीं हो सकती कि हम बेबस हो जाते हैं अगर वो कोई फ्रॉड कर दे, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई वो उसके लिए कोई प्रूफ नहीं होता। तो हमने तो बस सिर्फ वो किया होता है कि उनको उनका ग्रुप ले लेते हैं और उन्हीं की चीज़ें धड़ाधड़ कॉपी पेस्ट करके लगा रहे होते हैं, और जब कोई उनका ऑर्डर वगैरह आना शुरू हो जाता है या कुछ हम उनके कर देते हैं तो वो आगे उनकी मर्ज़ी होती है वो हमें दें या ना दें। तो मेरा तो एक यही मशवरा है कि आप अपने थोड़े से काम, थोड़ा सा भी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उससे अर्निंग शुरू करें, अपनी काम शुरू करें, अल्लाह खैर करेगा। तो मैं भी इस वक्त रात के 1:30-2 बजे हुए हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई है लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने जो एडिटिंग की उसमें म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट आ गया, फिर मैंने वो वीडियो डिलीट की, अब मैं दोबारा इसको सही कर रही हूँ। तो इस तरह होता है, कोई चीज़ ख़राब भी होती है दोबारा कोई चीज़ जल्दी हम कवर कर लेते हैं, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप अपनी मेहनत करते रहें और ऑनलाइन जो भी है वेबसाइट उन पर जाएँ, ज़रिया ऐप है, फाइबर है, दराज है, जो लोग दराज पे काम कर सकते हैं दराज पे काम करें, और जो तरीका बनाना, अकाउंट बनाना, हर चीज़ चैनल बनाने से अपलोड करना और उनको किस तरह चैनल में चीज़ें ऐड करनी है, सारी चीज़ों की आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगी। तो आपको पता है जैसे कि मैं बेडशीटें सेल करती हूँ, इस बेडशीटों से ही मैंने इतनी अर्निंग की है। मैंने शायद आपके इस वीडियो में चैनल में मैंने डाली भी थी कि मेरी फ़र्स्ट अर्निंग कितनी हुई है। तो मैंने अपनी जितनी भी थी, पहले मैं 7-8 हज़ार की सबसे पहले मैंने थोड़ी सी बेडशीटें लाई, फिर उन्हें सेल किया, फिर उसका जो प्रॉफिट बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप भी इसी तरह करें, थोड़े से आप 10-15 हज़ार की बेडशीटें ले आएं और उन्हें सेल करें, जो उसका प्रॉफिट होगा फिर आप उसमें और ऐड करें और अपना प्रॉफिट भी इतना रखें कि लोग ये ना कि वो आपका रेट देख के भाग जाएं, अपना प्रॉफिट इतना रखें कि लोगों को पता चले कि मुनासिब है। तो मैंने भी अपनी काफ़ी महंगी और अच्छी स्टफ़ वाली बेडशीटें बहुत कम सस्ते पैसों में बहुत कम रेट पे मैंने सेल की है, जिसकी वजह से मेरी फैमिली के लोग और मेरे जैसे कि हमारी फैमिली में हमारी इतनी भाभियाँ हैं उन्होंने ही ले लिया और वो कह रही हैं कि दोबारा आप बेडशीटें लाएं, ये बेडशीटें जो 2-2 हज़ार से ज़्यादा की मिल रही है मैंने उन्हें 1800 में भी दी है, 1500 में भी दी है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, अपना घर से स्टार्ट करें काम बजाय परेशान होने के, और अपने चैनल बनाएं, व्लॉग बनाएं, व्लॉग में भी इस तरह बनाएं कि साथ साथ कोई बिजनेस भी करते रहें। आपको भी आइडिया होगा, एक तो आपको अपलोड करना, थंबनेल बनाना, वीडियो एडिटिंग करना आ जाएगी, और वीडियो एडिटिंग करना आ जाए या थंबनेल आ जाए तो आप देखें कैनवा पे भी काम कर सकती हैं, फाइबर पे भी काम कर सकती हैं, आपको इतने अच्छे ऑफ़र मिल जाएंगे वहाँ आप घर बैठ के। और जो औरतें जॉब कर सकती हैं वो सुबह को जॉब करें और शाम को ऑनलाइन काम करें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। जितने पैसे आप बचाती हैं खुद झाड़ू पोछे बर्तन मांजने में लगाती हैं वही एक अच्छी सी मेड रखें उन्हें दें और आराम से बैठ के अपना काम शुरू करें और पैसे अपने बनाएं। अल्लाह मियाँ आपको भी बरकत देगा, पैसे कमाने को इतना मुश्किल ना समझे। और ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।